हमारा गोडाउन। अरे मगर जरा जा बाहर दुकान संभल, जरा जा 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 जा। और बगा जी जरा सबके लिए कुर्सी लेके आ। अरे नहीं, कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मोबाइल दिखाइए। हाँ नड्डू काका बगा जी। नड्डू काका सेठ जी, सेवकलाल जी, मोबाइल ये आपको जैसा चाहिए था वैसा, सस्ता सादा और स्मार्ट। अच्छा यही ले लेते। एक बात बताइए नेताजी, आप इतने बड़े नेता हो के ऐसा सादा मोबाइल यूज करेंगे? नटू काका उनकी मर्जी, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? दरअसल ये मोबाइल मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। अच्छा तो मुझे किसी और काम के लिए चाहिए, मुझे एक पीस नहीं ज्यादा पीस चाहिए। अच्छा कितने पीस चाहिए? 1000 पीस। फ्री में 1000 पीस? हो गया गरीबी में आटा गीला। 1000 पीस मिल जाएंगे? देखिए पक्का बताइए, मुझे वादे नहीं चाहिए। अरे क्या सेवक लाल जी, अभी चाहिए, अभी पीस रेडी पड़े हैं, दे दूं बोलो। नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, मुझे कल तक चाहिए। ठीक है ठीक है। काका भाई हालो जा। अरे आगे अल्लाह। सेवक लाल जी आप कब से खड़े खड़े फालूदा पी रहे हैं? मैं अभी चेयर लेके आता हूँ, मस्त तो बैठ के पीजिए ना। अरे नहीं नहीं हम लोग को तो आदत है खड़े होके खाने की। वाह मजा आ गया जेठालाल जी। सेवक लाल जी बिल किसके नाम का बनाना है? नहीं नहीं बिल की जरूरत नहीं है, पेमेंट आपको बराबर मिल जाएगा, लेकिन पेमेंट मैं नहीं कोई और देगा। पेमेंट का कोई टेंशन नहीं है, ऐसा कौन करने वाला है पेमेंट? परेश जी। परेश भाई? हाँ वो आपको जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं। अच्छा मैं नंबर देता हूँ, आप नंबर लगाइए। अच्छा हाँ परेश भाई, हाँ हाँ मैं तो जानता हूँ परेश भाई को। हाँ 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 बोलो बोलो जेठालाल। हाँ परेश भाई कैम छो? मजामा मजामा बताइए। अरे ये सेवक लाल जी मेरी दुकान पे आए हैं। सेवक लाल जी को जो भी माल चाहिए वो दे देना, पेमेंट का कोई टेंशन मत लेना, ठीक है? नहीं कोई टेंशन नहीं है परेश भाई। अरे जेठालाल एक व्यापारी को अपने माल के पेमेंट का टेंशन रहता ही है, तो टेंशन मत लेना, सेवक लाल जी को जो भी माल चाहिए वो दे देना। ओके ओके थैंक यू परेश भाई थैंक यू। क्यों जेठालाल जी सब ठीक है ना? हाँ अरे एकदम बिल्कुल बात हो गया। तो ये 1000 पीस की डिलीवरी कल कहाँ करनी है? आपको डिलीवरी करने की जरूरत नहीं, मेरे आदमी आकर कल ले जाएंगे। हाँ ठीक है चलेगा। अच्छा जेठालाल जी हाँ। मुझे कल तक में और 5000 मोबाइल चाहिए, क्या आप कर पाएंगे? और 5000 पीस चाहिए आपको? क्यों क्या हुआ नहीं कर पाएंगे? ओ हाँ हो जाएगा सेठ जी हो जाएगा। सेवक लाल जी आपको जितने पीस चाहिए उतने मिल जाएंगे। सेवक लाल जी एक सवाल पूछ सकता हूँ मैं? पूछे। ये आपको और 5000 पीस चाहिए वो बात परेश भाई को पता है ना? जेठालाल जी आप एक बार फिर परेश भाई से बात कर लीजिए ना। नहीं नहीं अरे बात करने की जरूरत, सॉरी ऐसे ही मुंह से निकल कर वो बात में मैं बात करूँ, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं। ओ ठीक है ठीक। सेवक लाल जी मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? अरे अभी आपको क्या जानना है नटू काका? यही कि इतने सारे मोबाइल का आप क्या करेंगे? देखिए इतना बड़ा कार्य क्षेत्र है, इतने सारे कार्यकर्ता काम करते हैं, अब सबके साथ टच में तो रहना पड़ता है ना। नहीं 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 बराबर बराबर है। तो हम चलते हैं फिर जेठालाल जी। अरे क्या चलता हूँ सेवक लाल जी, भगा तूने खाली मैंगो फालूदा पिला के बात खत्म कर दी, ऐसा थोड़ी चलता है। अरे कुछ खाने का मंगा भाई सबके लिए। हाँ अभी मंगवा देता हूँ, बोलो क्या मंगाऊ? अरे नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, अभी चुनाव का बहुत काम बाकी है, हमें जाना होगा। अरे खास बात जेठालाल जी, ये 1000 मोबाइल वाली बात दुकान तक ही सीमित रखें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी मोबाइल की डिलीवरी कल हमारे आदमी आके ले जाएंगे। सेवक लाल जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आते रहिएगा। और जेठालाल जी आपके व्यापारी मंडल में और आपकी सोसाइटी में सबसे कहिएगा कि वोट सिर्फ लॉलीपॉप को ही दे। बोलूंगा बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल है भाई। हाँ चलिए चलिए ओके ओके।
तुम्हारी चांदी चांदी हो गई। मैंने आपसे कहा था ना सेठ जी, हर नया सवेरा नई उमंग लेके आता है। बिल्कुल, और तेरी ये बात सुन के मैंने भी भगवान से प्रार्थना की थी ना कि भगवान मेहरबानी करके ये 1000 मोबाइल बिक जाए, ऐसा कुछ करना। 1000 क्या, 6000 पीस का ऑर्डर मिल गया। देखो देखो, अरे ये तो कमाल हो गया, धमाल हो गया। वो कहते ना, ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। बिक गए सारे टिटो, बिक गए सारे टिटो बिक गए टिटोड़े सब बिक गए टिटो सारे बिक गए। बताइए इस खुशी में आप हमें क्या इनाम देंगे? अरे मांग, तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे हनीमून पे तुझे विदेश भेजूंगा, बस। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। मैं क्या कहता हूँ, इस खास बात पर, इस खास दिन पे एक खास काम करते हैं। क्या क्या? हम तीनों का सेल्फी लेकर इस दिन को और भी खास बनाते हैं। ले ले सेल्फी, ले ले। क्या बात है। बागा, मैं क्या कहता हूँ, खाली सेफली लेके इस दिन को खास क्या बनाना है। एक काम करते हैं, कुछ और करके आज के दिन को खास बनाते हैं। अच्छा, क्या? तू हम सबके लिए चटाकेदार मसालेदार नाश्ता लेके आ, सब मिलके उजानी करते हैं। बराबर है। और सुन, 2-3 किलो मिठाई भी लेके आना। आज घर जाके पूरी सोसाइटी में सबको मिठाई बांटूंगा। जी सेठ जी, ये लेके जाता हूँ सब। हाँ ले जा। सेठ जी, 1-2 मिनट के लिए मैं जरा दुकान में जाके आता हूँ। हाँ देखे, बराबर है कि नहीं। जाइए। हाँ, ले भाई, कुछ मस्त लेके आना भाई, चटाकेदार एकदम, मजा आ जाए। हाँ खाने पे। ओहो, एक ही दिन में 1000 मोबाइल का ऑर्डर, आज का दिन तो वाकई में खासम खास है। चलो ये खुशखबरी मेहता सबको सुनाता हूँ। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, कैसे हो? क्या बात है भाई जेठालाल, कल रात तक तो तुम 1000 मोबाइल के टेंशन में पिन आ रहे थे और अभी एकदम चहक रहे हो। लगता है तुम्हारे सर से 1000 मोबाइल का बोझ उतर गया है। अरे मेहता साहब, आप तो वाकई में बातों के जोहरी हो। मतलब बातों का जोहरी किस तरह से? अरे मेरे बिना बताए मेरी बात परख ली आपने। मतलब सचमुच तुम्हारे सर से 1000 मोबाइल का बोझ उतर गया? उतर गया मेहता साहब, उतर गया। ये वाह, क्या बात है भाई, बधाई हो। कैसे हुआ ये सब? अरे एक बड़ी पार्टी अभी दुकान में आई और एक साथ 1000 मोबाइल खरीदने का ऑर्डर दे गई। ये मुबारक हो भाई, मुबारक हो जेठालाल, बधाई हो। क्या बात है, यानी 1000 मोबाइल का टेंशन एक झटके में दूर हो गया। मेहता साहब इतना ही नहीं, एक और खुशखबरी है। खुशखबरी? क्या बोलो। अरे वो पार्टी जाते जाते और 5000 मोबाइल खरीदने का ऑर्डर देते गई है, और मोबाइल भी वही टीटो मोबाइल। क्या बात कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। वैसे एक बात है जेठालाल, तुम्हारी इस खबर से मेरी बेचैनी दूर हो गई है ना। ईश्वर करे तुम ऐसी तरक्की करते रहो और तुम्हें धन लाभ होता रहे। अरे थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। ठीक है तो फिर रात को मिलते हैं। ठीक है मेहता साहब, ओके। सेठ जी, क्या हुआ? नाश्ता आ गया है। अरे भाई तूने तो ऐसे चिल्ला के डरा दिया मुझे भाई। एक घड़ी मजाक सेठ जी। अरे छोड़ मजाक, छोड़, रख इधर। बागा, तूने तो आज जलसा करा दिया दोस्त। क्या एक एक चीज चुन चुन के लाया है तू। वाह। लड्डू काका, आप जरा टीटो कंपनी में फोन करके पूछ लेना भाई, और 5000 मोबाइल चाहिए हमको। पता कर लिया सेठ जी। है कब? अभी मैं दुकान में गया था ना, तो सब पता कर लिया। अच्छा, क्या क्या कहा उन्होंने? उनके पास स्टॉक में बहुत मोबाइल है। नट्टू काका, बाघा, आज तो हम दोनों सिक्सर पे सिक्सर मार रहे। बाघा, एक काम कर, आज तो बावरी को किसी अच्छे होटल में खाना खिलाने लेके जा। बिल मेरे पास से ले लेना। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू। अरे थैंक यू क्या उसमें।
और छोटू काका आप एक काम करो, आप दुकान जल्दी बढ़ा लेते हैं, आप भी जल्दी घर जाओ, मैं भी जल्दी घर जाता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। आज तो जल्दी जल्दी घर जाके बापूजी का और सोसाइटी में सबका मुंह मीठा करूंगा। लगता है झूलते झूलते बापूजी को झपकी आ गई है। कोई बात नहीं, मिठाई बाद में खिला दूंगा, अरे आशीर्वाद तो ले लूं। तू दुकान से इतनी जल्दी आ गया? हाँ बाबूजी। दादाजी क्या हुआ? अरे पापा आप आज दुकान से जल्दी आ गए? हाँ। अरे लेकिन क्यों जल्दी आ गया? अरे तेरे हाथ में क्या? ये मिठाई है बाबूजी। मिठाई किस लिए? अरे टपुड़ा, आज तेरे पापा को मोबाइल बेचने का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बापूजी आपको किसने बताया? मिला है कि नहीं? हाँ, पर आपको किसने बताया? मुझे तेरी चिंता हो रही थी तो मैंने दुकान में फोन किया था, तो नड्डू ने मुझे बताया। अच्छा, क्या दुकान में एक बहुत बड़ी पार्टी आई थी और उसने 1000 टीटो मोबाइल खरीद लिए। 1000 मोबाइल? अरे बापूजी चमत्कार हो गया। कहाँ मैं ये 1000 मोबाइल को लेकर टेंशन में घूम रहा था कि क्या करूंगा मैं, 1000 मोबाइल का कैसे बेचूंगा, और भगवान ने ऐसा चमत्कार कर दिया, ऐसा कस्टमर भेज दिया बापूजी, एक ही झटके में 1000 मोबाइल का सौदा हो गया। बोलो। हाँ मैंने बोला था ना जेठिया कि सब सकारात्मक ही होगा। अरे हाँ बापूजी, हाँ सच में ये सब आपके आशीर्वाद का कमाल है बापूजी। थैंक यू बापूजी, थैंक यू। हाँ लेकिन मेरे आशीर्वाद के दिए में तेरे पुरुषार्थ का घी ना होता तो रोशनी थोड़ी होती। नहीं नहीं बापूजी नहीं, बिना आशीर्वाद के सिर्फ पुरुषार्थ से कुछ भी नहीं होता है बापूजी, कुछ नहीं होता है। चल अभी मिठाई तो खिला। हाँ अरे अरे वैसे पापा सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, आपको इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो पार्टी तो बनती है। हाँ जरूर बेटा करेंगे ना, मैं तू और बापू जी हम तीनों पार्टी करेंगे। एक काम करते, ये रविवार को हम तीनों एक अच्छी सी बढ़िया सी फिल्म देखेंगे और उसके बाद तू बोलेगा वो होटल में खाना खाने जाएंगे, बस। अच्छा जीठा, तूने सोसाइटी में अपने सभी दोस्तों को खुशखबरी दी कि नहीं? नहीं बापू जी, अभी छोटा सब जाऊंगा ना तभी सबको दे दूंगा। कोई भी मौसम हो, कुछ भी हो, तुम लोग थोड़ा शॉप जाए बगैर नहीं रह सकते। नहीं नहीं, उधर तो जाना ही पड़ता है मुझे। और आज तो खास जाना पड़ेगा, आज सबको खुशखबरी जो सुनानी है। और जेठा ब्रा, वो मिठाई से ज्यादा तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे यार के एक ही दिन में सारे मोबाइल बिक गए। थैंक यू छोटी, थैंक यू। पर जेठा भाई, इतने सारे मोबाइल खरीदे किसने? सॉरी मैं उनका नाम नहीं बता सकता, क्योंकि जिन्होंने भी ये मोबाइल खरीदे हैं ना, उन्होंने साफ मुझे बताया कि इसके बारे में किसी को बताना मत। ओ यारों से क्या छुपाना? हाँ जेठा भाई बताइए ना। बता दो जेठा, अभी कौन है ऐसा नंबर बताओ। अच्छा चलो, मैं नाम नहीं बताता लेकिन इतना कह देता हूँ कि वो एक बहुत बड़े नेता है। नेता इस बार चुनाव में खड़े? हाँ। चुनावी चिन्ह क्या? लॉलीपॉप। सेवक लाल जी, उन्होंने तुमसे सारे मोबाइल खरीदे? पोपटलाल भाई प्लीज किसी को बताना मत भाई, प्लीज। नहीं नहीं भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और दोस्तों प्लीज जा, किसी को बताना मत। क्या बताना? हाँ बस ऐसे भूल जा भाई, भूल जा। जेठालाल मैंने सुना है कि सेवक लाल जी बहुत ही पहुंचे हुए और शातिर है। हाँ तो वो तो होंगे ही ना, हर बार इलेक्शन वही जीत जाते हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वो सेवक लाल जी 6000 मोबाइल का करेंगे क्या? क्या पता अभी उनका इतना बड़ा काम है, कार्यकर को दे या जो भी करे, मुझे क्या भाई। लेकिन तुमने पूछा नहीं उनको? सर मैं क्यों पूछूं, मेरा काम सिर्फ मोबाइल बेचना है भाई। अभी ये छोटी के गैराज में कोई गाड़ी रिपेयर करने के लिए आती है तो गाड़ी रिपेयर हो जाने के बाद छोटी उसको ये थोड़ी पूछता है कि अभी गाड़ी रिपेयर हो गई है, अभी गाड़ी को लेके कहाँ जाएंगे आप, क्या करेंगे गाड़ी का,
भाड़े पे चलेंगे? ऐसा पूछता है छोटी? ओ ना जी ना, कोई नहीं पूछता। लेकिन जेठा ब्रा, ओ तुमको आज इतना बड़ा ऑर्डर मिला, इस बात पे सेलिब्रेशन तो बनता है। और सेलिब्रेशन में पार्टी शार्टी से बढ़कर और क्या हो सकता है? सही बात है। ये सोड़ी भाई, पार्टी शार्टी की बात मत कर, भूल गया रोशन भाभी कितना गुस्सा हो गई थी? पार्टी शार्टी के मामले में ना हम लोग एकदम कुत्ते की पूंछ जैसे हैं। कुत्ते की पूंछ सीधी होती है, नाम सीधे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे पहला मौका मिलते ही हम सब मिलकर जम के पार्टी शार्टी करेंगे। ओ यारो, ओ इस बात पे अपने जेठ अपरा यंचो। भाई मेरा विजय यशो मत करो भाई, विजय यशो करना ही है तो वो सेवक लाल जी का करो भाई। और हाँ भाई, इस बार सब उनको ही वोट देना। जेठालाल ये गलत बात है भाई। क्या गलत बात है? नहीं मतलब तुम ऐसे बोल सकते हो कि तुम सही उम्मीदवार को वोट दो, उन्हीं को वोट दो, ये नहीं तुम बोल सकते। क्या है, हम हमारे हिसाब से देख कर परख कर वोट देंगे ना। सही बात है। अच्छा तो तू इस बार किसको वोट देने वाला है? मत बताना भिड़े। जेठालाल मतदान गुप्तता से किया जाता है, ये ऐसे बताते नहीं किसी को। क्या रख? हाँ आपको जिसको भी वोट करना है करो, पर वोट जरूर करना। हाँ भाई, दुनिया के सबसे बड़े लोग